मम्मी फुल मौंजली का हाय, आज मैं आपको बताऊंगी कि DIY हैलोवीन पार्टी लास्ट मिनट पे कैसे करनी है, स्पेशली टू स्पाइस अप दिस क्वारंटीन लाइफ, सेमी क्वारंटीन लाइफ। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी स्कैरी, दीज आर माई नेचुरल टीथ। तो हैलोवीन का थीम होता है रेड एंड ब्लैक, तो हम सब रेड पहनने का चूज किए हैं। एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम ईजी पीजी रेसिपीज। ये जो सफ़ेद सफ़ेद टुवाल अटक रहा है ना, वो हैलोवीन का डेकोर नहीं है। हमारे घर पे कुर्सियों का ज़्यादा इस्तेमाल टुवाल सुखाने के लिए होता है। पहले मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू मेक भूत या जेली। उसके लिए बुलाते हैं हमारे असिस्टेंट शेफ को, विच इज मम्मा। Welcome our assistant chef. हम दोनों सारे same लग रहे हैं। ठीक है, let's start. तो सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए होंगे तकमरिया। तकमरिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्जा। हमको चाहिए बोलते हैं हिंदी में सब्जा। एंड जेली, हमने स्टार्ट किया था सब्जा को पानी में भिगा के, एंड वो अभी फूल गए हैं, तो वो अभी छोटे छोटे आइज लग रहे हैं या फ्रॉक के अंदर जैसे भी लगते हैं कभी कभी, तो उसको हम डालेंगे जेली में। दे लुक सो क्रीपी ना, सच में मिनी आइज जैसे लग रहे हैं। वाली है एक प्लेन है, और ये एक स्पेशल डिश के लिए है, विच इज भूतिया पॉपकॉर्न। इसके लिए यू नीड पॉपकॉर्न। अभी इसको माइक्रोवेव करते हैं। तो आई शो यू टू डिफरेंट पॉपकॉर्न, एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड के लिए थीम इज ब्लडी पॉपकॉर्न, इसलिए थोड़ा जल्दी बचा के रखा था कि जस्ट पोर इट ऑन द पॉपकॉर्न एंड इट विल लुक लाइक पॉपकॉर्न हैज ब्लड। फॉर द ब्लैक पॉपकॉर्न All you need is thoda barbecue sauce and pour it on. And agar aapko isko aur creepy banana hai na, just put some more sabza on it. Lag raha hai na creepy. To for other snacks, red color mein I found Szechuan stick and these red color gift rhymes. But these are two ready snacks जो आप ऐसे रख सकते हो। And for the main course आप easy pasta बना सकते हो, red sauce वाला pasta। And I know कि काफी बार photo में जो दिखाते हो उतना लाल तो आता है नहीं, इसलिए थोड़ा pasta sauce भी लेके आए गए। And एक बार वो pasta बन जाए, उसके ऊपर ये olives की slice डाल दो। ड्रिंक्स के लिए रेडीमेड बहुत सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल एक है ये रॉ का पोमोग्रेनेट जूस, पूरा पूरा रेड नहीं है, पिंकिश है लेकिन चलता है यार। एंड दी अदर वन इज दिस एलो फ्रूट का बेरीज वाला। ड्रिंक्स आर सर्व्ड, चीयर्स। एंड यहाँ पास्ता भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चलो कलर तो डिसेंट है, लेकिन हैलोवीन के लिए आई वुड वॉन्ट दिस चटाक रेड कलर, तो ये एड कर देते उसमें। अब ये लग रहा है रेड पास्ता। तो ये है आपका पूरा हैलोवीन मेन्यू। टू स्टार्ट वी हैव द ड्रिंक्स, द रेड फ्रूट ड्रिंक्स। फिर मूवी देखते देखते दो अलग टाइप के पॉपकॉर्न, थोड़े और स्नैक्स, क्योंकि मूवी देखते हैं तो कितने भी स्नैक्स हो तो कम ही पड़ते हैं। मेन डिश आ गया रेड एंड ब्लैक पास्ता। एंड डिजर्ट के लिए है जेली या रेड वेलवेट केक। 30 मिनट में यू कैन मेक दिस होल थिंग 30 मिनट के अंदर। ओके, तो अब है मेकअप टाइम। मैंने दिमाग में कुछ सोच के रखा, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, तो अगर अच्छा नहीं निकले तो जज मत करना। बट टू स्टार्ट आई एम फर्स्ट गोइंग टू क्लेंज माय फेस, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग गार्नियर का माइसेलो वाटर। कॉटन पैड पे थोड़ा सा लूंगी एंड बस एक बार आई वांट टू क्लीन द स्किन, क्योंकि इसे डर्ट और पोल्यूशन वगैरह सब इजीली निकल जाता है। अपने को लगता है कि घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बट इफ आई शो यू माई कॉटन पैड वेट, दिस इज वाई आई डू इट। तो बिल्कुल भी रब नहीं करना पड़ता, बस अब ऐसे एक बार स्वाइप करके सब कचरा निकल जाता है। एंड बिफोर अप्लाइंग मेकअप, स्किन क्लीन होना जरूरी होता है, वरना फिर ब्रेकआउट्स वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज डर्ट के ऊपर अगर अपन प्रोडक्ट लगाए तो और अंदर जाता है। बस अभी स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी आई शैडो पैलेट में ब्लैक कलर था वो लेके आ गई, तो फिंगर से आई टेक दिस एंड साथ पे लगाना है। आई थिंक ऑलरेडी भयानक तो लग ही रही हूँ। Now we will take red and red से blend करना है ये सब। And that's it for the eyes. अगर आपको एकदम simple but easy डरावना eye look चाहिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये messy है ना, इसलिए और better लग रहा है ऐसा मुझे लगता है। Next हम mouth करेंगे, तो पहले मैं concealer लगा के अपने lips को पूरा neutralize कर दूंगी।
अब मैं काजल से इस पे ड्रॉ करूंगी। ये माउथ ना मैंने अरम चश्मा वाला के इंस्टाग्राम पे देखा था, शी इज डूइंग ग्रेट हैलोवीन लुक, सो ये माउथ इज इंस्पायर्ड बाय हर। And just like that, in 5 minutes, you've done a Halloween makeup look. I told you I'll show you easy looks. एक और स्टेप ऊपर जाने के लिए आप खून के आंसू भी दिखा सकते हो। उसके लिए चाहिए सिर्फ एक रेड लिपस्टिक। Makeup is not that difficult after all. But I know कि बहुत लोगों को ऐसा makeup करने से डर लगता है because they're worried कि skin खराब हो जाएगा और ये निकलेगा कैसे। तो just to show you, I'm going to take off one side, मैं वापस कर लूँगी फिर। एकदम easily makeup निकालने के लिए I would recommend using Garnier का micellar oil infused cleansing water. ये वाला ना waterproof makeup भी एकदम easily निकाल देता है। अपन अभी तो फिलहाल mascara या eyeliner कुछ नहीं लगा जो waterproof होता है, but even if you use that in your look, ये ऐसे निकाल देता है। तो एक क्लीन कॉटन पैड पे आप टेक अंदर रिमूवर और मैं पूरे आंख पे रख रही हूँ। चेक दैट आउट, बिल्कुल कट नहीं था ये वीडियो में, फास्ट फॉरवर्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, दिस वॉज एज इट इज। दिस माइसेलर वाटर हैज आर्गन ऑयल इन इट, विच इज वाई इट मॉइस्चराइजेज द स्किन वाइल टेकिंग ऑफ द मेकअप, बट इट इज स्टिल नॉन ग्रीसी एंड नॉन स्टिकी, इसलिए मेरे को उसका फॉर्मूला बहुत पसंद है। यू कैन सी हाउ एम्प्टी द बॉटल इज। तो बेसिकली अगर आप कोई भी हैवी लुक या वाटर प्रूफ लुक करते हो ना, ईजिली निकल जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा टेंशन नहीं लेने का कभी भी। एंड इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस माइसेलर आउट इवन इफ यू नॉट इन टू दैट मच मेकअप, जस्ट फॉर क्लेंसिंग skin here and there. The link will be in the description box down below. अभी फटाफट I'll just redo this eye और फिर मुझे मम्मी पे कुछ अतरंगी करना है। मम्मी तो मेरा चेहरा देख के हंस पड़ी अभी, पता है। हेयर स्टाइल मैंने ऐसे ही चूज किया है कि कुछ अलग लगना चाहिए, तो आई थॉट दिस विल लुक क्वाइट डिफरेंट। अभी इससे भी सिंपल लुक अगर चाहिए जो 2 मिनट्स में बन सके, तो ज़्यादा शो ऑन ऑफ नाना कर रही है पीछे से। ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई लिपस्टिक। बेसिकली मिरांडा सिंग्स टाइप लिपस्टिक एंड आईज के नीचे सेम रेड लिपस्टिक एंड बस उसको फिंगर से ब्लेंड करना है। तो ये मेरे से भी ज़्यादा सिंपल हैलोवीन मेकअप है, लेकिन ये भी डरावना तो लगता है ना। ओके आई हैव अनदर आइडिया, आप ना मस्त बिंदी भी निकाल सकते हो। टेढ़ा लग गया। I'll show you how the micellar performs on lipstick as well, क्योंकि मम्मी का पूरा लुक मैंने लिपस्टिक से किया है ना। तो बिंदी टेढ़ा लग गया है, तो मैं उसको निकाल के जगह पे लगाती हूँ। निकल गया, नीचे का एक पोर्शन रहेगा वो बस हो गया। एंड वी आर रेडी। चलो अभी बस फटाफट सेटअप करना है, देन आई विल टेल यू माय फेवरेट मूवीज दैट वी प्लान टू वॉच टुडे। तो पहला DIY है तोरण, भूतिया तोरण कैसे बनाना है। तो मैंने बहुत इजी DIY देखा था पिंटरेस्ट पे, इसका क्रेडिट मेरे को नहीं जाता है, पिंटरेस्ट को जाता है, पिंटरेस्ट पे जिसने भी डाला उसको जाता है। चार्ट पेपर में से एक पतली सी पट्टी काटी है, 4-5 सेंटीमीटर की रहेगी, एंड देन उसको करना है हमें फोल्ड। फिर जो भी डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे मकड़ी बनानी है, तो उस हिसाब से करना है कट। It takes a bit of suffering, sleepless nights of wandering, before you make it safely to the end, the end. This thing... ये है मेरे अजीब किस्म की मकड़ी, लेकिन दिख तो रही है मकड़ी जैसे। But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights of wandering, before you make it safely to the end. Mm-hmm. Before you make it safely to the end. That's it for DIY 1. DIY 2 is very easy. एक ब्लैक कैंडल अगर रेडी घर पे हो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर ब्लैक कैंडल नहीं है तो ब्लैक पेपर कट कर लो ग्लास के
हिसाब से बाहर के साइड लगाना, रिमेम्बर आउटसाइड आ, गलती से भी इनसाइड मत डालना। बस अभी इसके अंदर इफ यू पुट अ कैंडल तो एक ब्लैक कैंडल हो जाएगी एंड योर डीआईवाई ब्लैक कैंडल इज रेडी। एकदम सेफ एंड साउंड क्योंकि पेपर बाहर है तो उसको आग नहीं लगेगी। एंड फाइनल डीआईवाई इज इजी बट आई थिंक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल थ्री, लाल लाइन। एंड उसके लिए मैंने रेड कलर का सेलोफीन या जेलेटिन पेपर लिया स्टेशनरी से। तो मेरे पास ये लाइट बल्ब है एंड ऐसे लगाते हैं। लुक एट द वाइब ऑफ द रूम। नाउ फॉर द मूवी रिकमेंडेशन, भूल भुलैया ऑफ कोर्स क्लासिक, आई थिंक सबने देखी हुई है। मैंने फूंक 1 और फूंक 2 बचपन में देखी थी, अभी देखी नहीं है तो मुझे याद नहीं कि अभी कितनी रेलेवेंट है। विक्की कौशल वाली देखी थी, वो शिप पे है ना वो वाला। हॉलीवुड में द क्लासिक्स आर द कॉन्जरिंग 3 नहीं है, 1 एंड 2 भी अच्छे हैं। 3 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एनाबेल भी 1 सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उसके बाद मज़ा नहीं आया मेरे को। ग्रज इज गुड, फिर रिंग बहुत अच्छी है। रिंग के मल्टीपल पार्ट्स है, आई थिंक रिंग के मुझे सारे पार्ट्स पसंद आए थे। एंड वेरोनिका करके मूवी है वो अच्छी है। द हॉन्टिंग इन एमिटीविल अच्छी है। वीजी करके है, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, खतरनाक मूवी है वो, खतरनाक। क्योंकि मुझे स्लो हॉरर मूवीज नहीं पसंद, मुझे एकदम फास्ट पेस्ड हॉरर मूवीज पसंद है जिसमें फटाफट फटाफट कुछ हो रहा हो ना मैं बोर हो जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो दीज आर माई टॉप हॉरर फेवरेट मूवीज। लेकिन और कुछ भी याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाल दूंगी। बट अ बिग शाउट आउट टू गार्नियर फॉर पार्टनरिंग अप विद अस फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप ही हैलोवीन मेकअप प्लान कर रहे हो करने का तो डू रिमेंबर टू चेक आउट देयर माइसेलर वाटर्स, देयर वेरी अमेजिंग एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो गिव इट अ थम्स अप। इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन गुड बाय।